दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रोचक किस्सा बताऊंगा, हो सकता है ये आपने कभी ना सुना हो। ये किस्सा है वसीम अकरम और ग्रेट सुनील गावस्कर के बीच में। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इन दो महान प्लेयरों के बीच में आपस में इनका जब आपस में आमना सामना हुआ है, कुल मिला के ये 17 बार, चाहे वो वनडे में चाहे वो टेस्ट मैच रहा हुआ, इनका आमना सामना हुआ है। इन 17 पारियों में जहां पे वसीम अकरम को सुनील गावस्कर को आउट करने के बहुत मौके मिले थे, वहां सिर्फ ये एक बार ही सुनील गावस्कर को वसीम अकरम आउट कर पाए हैं। आपको याद होगा जब इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, 1985 में जब ऑस्ट्रेलिया में ये टूर्नामेंट खेला गया था, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेली गई थी, बेंसन हेजेस कप, वहां पे एक मैच सुनील गावस्कर और वक्रम के बीच में वनडे खेला गया था, वहां पे इनकी पहली भिड़ंत हुई थी, वहां पे अकरम ग्रेट सुनील गावस्कर विकेट नहीं ले पाए थे। फिर उसके बाद 1986 में शारजा कप जहां में 2 मैच खेले गए थे, ये वही टूर्नामेंट था जहां पे जावेद मियांदाद ने चेतन लास्ट बॉल पे 6 मार के जिता दिया था। वहां पे 2 मैच खेले गए थे, वहां पे भी किस्मत वाले नहीं रहे थे वसीम अकरम की जो गावस्कर का विकेट ले पाते। क्योंकि मैं आपको अकरम के बारे में एक बताना चाहूंगा कि अकरम जब पाकिस्तान टीम में आए थे उस समय इनकी बहुत अच्छी एक रेपुटेशन बन गई थी और बहुत घातक ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। और ये उससे पहले जब ये न्यूजीलैंड में पहला टूर करके आए थे, वहां पे इन्होंने न्यूजीलैंड में बहुत ही सबको प्रभावित किया था। उसमें वहां पे एक टेस्ट मैच में इन्होंने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस केन्स को हर्ट कर दिया था बहुत ही बुरी तरीके से। फिर उसके बाद जब ये इंडिया आए थे, इंडिया जब ये आए थे, क्योंकि इमरान खान कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, और पाकिस्तान के जो कप्तान इमरान थे, ये सुनील गावस्कर से बहुत प्रभावित थे। क्योंकि सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड इंटरनेशनल टेस्ट मैचों में सभी जगह बहुत लंबी लंबी पारियां खेली थी, वर्ल्ड के सबसे जो खास फास्ट बॉलर थे उनके अगेंस्ट इन्होंने अच्छे रन बनाए थे और 34 शतक बना चुके थे। सुनील गावस्कर को यहाँ पे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्रेट सुनील गावस्कर तो वैसे ही माउंट एवरेस्ट पे थे। पर वसीम अकरम बहुत नौजवान थे, 20 साल की उम्र थी इनकी, और सुनील गावस्कर उस समय 38 साल के थे। इन दोनों के बीच में 18 साल का फर्क था। कम से कम वसीम अकरम बिल्कुल चाहते थे कि मैं सुनील गावस्कर को कम से कम प्रभावित करूं। प्रभावित कैसे करेंगे कि सुनील गावस्कर का विकेट ले सकें। आपको अपने दौर में सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन कौन लगता था? किस बैट्समैन को देख के आपको लगता था यार ये थोड़ा टफ साबित हो सकता है? देखिए, एक नाम जिसको मैं आउट करना चाहता था जब मैं शुरू शुरू में क्रिकेट शुरू की, वो एक ही नाम था जो मेरे से सिर्फ एक दफा आउट हुए पूरे 3 सालों में, वो थे सुनील गावस्कर। ऐसी बात नहीं, सुनील गावस्कर भी वसीम अकरम से बहुत प्रभावित थे इनकी गेंदबाजी से। 85 की बात होगी, और तब इमरान वापस कप्तान बन गया था, उसके पहले जावेद कप्तान थे, और वसीम बॉलिंग कर रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था, इमरान मिड ऑफ पे खड़ा था। तो वसीम ने एक गेंद दबाई, मतलब शॉट की, तो मैं खेलने गया और जिस तेज़ी से वो गेंद आ गई, तो मैंने लास्ट में छोड़ दिया कि इतनी तेज़ी से वो गेंद निकल गई। इंडिया में 5 टेस्ट खेले गए थे और 6 वनडे खेले गए थे, उन 5 टेस्ट की 8 पारियों में वसीम अकरम को मौका मिला सुनील गावस्कर को आउट करने का, पर फिर भी वसीम अकरम सुनील गावस्कर का विकेट नहीं दे पाए थे। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद 6 वनडे खेले गए थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पहला और दूसरा जो वनडे था वहां पे भी वसीम अकरम विकेट नहीं ले पाए थे सुनील गावस्कर का। पर जब थर्ड वनडे हैदराबाद में खेला गया था, ये वही वनडे था जहां पे वसीम अकरम की बॉल से हमारे ओपनिंग बल्लेबाज कृष्ण मेचारी श्रीकांत बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हो गए थे। इस मैच में इन्होंने सुनील गावस्कर का एक विकेट ले लिया था, इनाम विकेट। फिर उसके बाद 3 वनडे और खेल हुए थे, ये नहीं ले पाए थे विकेट सुनील गावस्कर का, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सुनील गावस्कर के सामने कभी भी फास्ट बॉलर कोई समस्या नहीं थे। वेस्ट इंडीज के धुरंधर फास्ट बॉलरों को, जैसे आप जानते हो, सुनील गावस्कर ने 13 सेंचुरियां बनाई थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट में इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। पर ये वसीम अकरम के दिल में, कई जगह वसीम अकरम ने ये जिक्र किया, उनके दिल में मलाल रहा है कि सिर्फ 17 पारियां
जहां पे इनको मौका मिला था सुनील गावस्कर को आउट करने का, ये सुनील गावस्कर को सिर्फ एक बार ही आउट कर पाए थे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, इस तरीके के आप किससे सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को आप लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करें।